हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल आरके ड्राइविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम फिर से एक और नए वीडियो के साथ में लौटे हैं। तो आज हम आप लोगों को ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो, हमारे पास ये ट्रैक्टर है 241 DI। तो दोस्तों, ये महिंद्रा ट्रैक्टर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोगो लिखा हुआ है, और आप लोग देख सकते हो इस तरह का लुक है। तो आप लोगों को हम पास में ले जाके दिखाएंगे। बिना देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, जब तक हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आप लोग हमारे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस तरीके का लुक हमारा ट्रैक्टर का। तो ये देख सकते हो 241 DI मैसी ट्रैक्टर है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का लुक है। एक बार हम घूम के आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके का लुक है। ये देख सकते हो इस तरीके का लुक है। तो हम चलते हैं अब ट्रैक्टर के पास में। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अब मैं ट्रैक्टर के अंदर बैठता हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रैक्टर के अंदर बैठ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लच और ब्रेकों के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे लेफ्ट में है क्लच और राइट में देख सकते हो ये ब्रेक और एक्सीलेटर। ये तो है एक्सीलेटर और ये है ब्रेक। तो आप लोग देख सकते हो, डबल चीज़ होती है ना ये दोनों तरफ की। ये वाला है लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये दोनों टायरों का है। दोनों साइडों की टायर आते हैं, उन दोनों के ब्रेक हैं। तो ये देख सकते हो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये दोनों लेफ्ट राइट के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सीलेटर है। और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर चाबी लगाई जाती है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, चाबी इस तरीके की आती है इसकी। ये देख सकते हो चाबी इस तरीके की आती है। और आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसकी स्टेयरिंग। स्टेयरिंग इस तरीके की है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ये लाइटों को, लाइट जलाने और बंद करने के वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, इन चीज़ों की है। और यहाँ पे भी हाथ की एक्सीलेटर है। तो आप हाथ से भी रेस दे सकते हो और पैर से भी रेस दे सकते हो, दोनों तरफ है। और यहाँ पर आप इसका मीटर मीटर दिया गया हुआ है। और आप लोगों को अब बता देता हूँ मैं गियर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गियर के बारे में। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोलेरो के अंदर बताया था उसी तरीके से इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गियर के बारे में। तो गियर इस तरीके से हैं इसके। तो जिसमें क्या कि उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स उल्टा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो अब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार गियर पाँच गियर आते हैं इसके अंदर। तो रिवर्स पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे पाँच गियर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये छोटा वाला गियर है, तो ये स्पीड को तेज और धीरे करने के लिए काम आता है। मतलब ये कापचे की तरह फोटो दी गई है। तो इसको ऊपर करेंगे तो अपन ये बिल्कुल धीरे हो जाएगा। खरगोश की फोटो दी गई हुई है, तो इसको नीचे करेंगे तो ये बहुत तेज भागेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तो इसलिए काम आता है, और ये गियर है। और यहाँ पे ये बंद करने का दिया गया हुआ है। और अब आप लोगों को मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हैंड ब्रेक है, आप लोग देख सकते हो ये हैंड ब्रेक है। और अब मैं इसके अंदर चाबी लगाता हूँ, अब मैं इसके अंदर चाबी लगाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो चाबी यहाँ लगाई जाती है इस तरीके से, इस तरीके से चाबी लगाई जाती है यहाँ पे। अब करते हैं ट्रैक्टर को ऑन। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, गियर को न्यूट्रल करना है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से गियर न्यूट्रल करना है, और ये इसको भी ऐसे न्यूट्रल करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, चाबी को ऑन करना है। तो ये देख सकते हो ये अपना ट्रैक्टर हो चुका है स्टार्ट। ये देख सकते हो अपना ट्रैक्टर हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो मीटर वगैरह सब कुछ ऑन हो चुका है। हाँ, तो दोस्तों ये हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो मीटर वगैरह सब कुछ चालू हो चुका है दोस्तों इस तरीके से। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से लगता है फर्स्ट गियर। सबसे पहले अपन को क्लच दबाना है इस तरीके से। तो पैर से क्लच को दबाना है, क्लच दब चुकी है अपनी इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो गियर कैसे लगाया जाता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गियर को जैसे लेफ्ट में लेके नीचे करोगे तो ये फर्स्ट गियर लगेगा इस तरीके से। तो ये फर्स्ट गियर लग चुका है, और इसको नीचे करोगे तो ये भागेगा, और इसको ऊपर करोगे ऐसे तो ये धीरे धीरे भागेगा। तो अपन इसको क्या करते हैं, इसको नीचे ही कर देते हैं। तो नीचे कर देते हैं इस तरीके से, ये हो चुका है नीचे, नीचे हो चुका है। अब अपन धीरे 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 रेस को छोड़ते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो अपना ट्रैक्टर हो चुका है चल्लू।
ये देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो यहाँ पे अपना ट्रैक्टर हो चुका है चल्लू। तो ये बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब कि ट्रैक्टर तो चलाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, ट्रैक्टर तो बिल्कुल आसानी से चला सकते हो क्योंकि ट्रैक्टर ज़्यादा तेज भी नहीं भगता और बिल्कुल स्लो चलता है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रैक्टर को बिल्कुल आसानी से चला सकते हो। ये फर्स्ट गियर में, अभी फर्स्ट गियर में है तो देख सकते हो, फर्स्ट गियर में बिना एक्सीलेटर दिए हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितनी रेस पकड़ रखा है। ये देख सकते हो इतनी रेस पकड़ रखा है बिना एक्सीलेटर दिए हुए, तो यहाँ पे इतनी तेज भग रहा है फर्स्ट गियर में। ये देख सकते हो इस तरीके से, ये देख सकते हो, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ इस तरीके से चल रहा है। तो अपन अब सेकंड गियर इसके अंदर लगाते हैं, सेकंड गियर लगाते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये सेकंड गियर लग चुका है दोस्तों, ये सेकंड गियर लग चुका है। अब मैं सेकंड गियर में आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी रेस पकड़ रखा है। ये देख सकते हो जितने फर्स्ट गियर में पकड़ रखा था उसी तरीके से ये सेकंड गियर में पकड़ रखा है। तो अपन ट्रैक्टर को घुमा लेते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ये देख सकते हो ट्रैक्टर को हमने घुमा लिया इस तरीके से, इस तरीके से हम ट्रैक्टर को घुमा चुके हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि मतलब कि ट्रैक्टर को तो चलाना बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से मतलब एक दिन में आप लोग ट्रैक्टर चलाना सीख सकते हो क्योंकि ट्रैक्टर में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि खाली ट्रैक्टर चलाते हैं उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपन भरे हुए ट्रैक्टर को चलाते हैं ट्रॉली जोड़ के तो वो अपन से नहीं चलती है। तो खाली ट्रैक्टर को तो आप बिल्कुल आसानी से चला सकते हो दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि ये भगता भी नहीं है और धीरे धीरे चलता है इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो ये भी सेकंड गियर में है, ये देख सकते हो सेकंड गियर में और इतनी रेस पकड़ रखा है, बिल्कुल आसानी से अपना ट्रैक्टर चल रहा है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रैक्टर को रोक लेते हैं वापस, जैसे कि जैसे ही, तो अब अपन ट्रैक्टर को कर देते हैं बंद यहाँ से इस तरीके से। ये ट्रैक्टर हो चुका है बंद अपना, इसको ऐसे खींचने से अपना ट्रैक्टर होता है बंद इस तरीके से। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में कुछ बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो हाँ, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं इससे बढ़िया वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।